अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हल्द्वानी में ढोलक बस्ती या कहें तो रेलवे बस्ती निवासी परिवारों की महिलाओं को आज सम्मानित किया गया। बता दी कि ये महिलाएं अपने बच्चों को कूड़ा उठाने और भिक्षा लेने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए स्कूल भेजती हैं। महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वीरांगना संस्था के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पुलिस के अलावा कुछ अन्य सामाजिक कार्य से जुड़ी महिलाएं शरीक हुईं, जिन्होंने उन महिलाओं का उत्साहवर्धन किया जो अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षा का महत्व समझती हैं और चाहती हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा के नए आयामों को छुए और अपनी पहचान बनाए। दरअसल वीरांगना संस्था पिछले कई सालों से ऐसे ही बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है जो समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित रह जाते हैं। ये बच्चे कूड़ा बिनने या फिर भीख मांगते नजर आते थे, मगर संस्था के प्रयासों के चलते आज इन बच्चों को स्कूल तो भेजा ही जा रहा है, साथ ही इनके खाने पीने और पालन पोषण तक का ध्यान रखा जा रहा है। वीरांगना संस्था ने बहुत अच्छी पहल कर रखी है और यहाँ भिक्षा के बच्चों के भिक्षा न मांगने के संबंध में मतलब ये संस्था ने बड़ा अच्छा वो कर रखा है और उनके माताओं को बुलाया यहाँ और उनसे मतलब भिक्षा न मांगने के लिए और उनको अच्छा वो करने के लिए वो कर रखा है यहाँ पे। लगातार हमारी वीरांगना संस्थाएं 5 सालों से प्रयास कर रही है जिसमें भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे जो जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसमें शिक्षा से जोड़े गए 273 बच्चों का हमने स्कूल में दाखिला कराया गया है और इसी से आज महिला दिवस के अवसर पर हमने इनकी माओं को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया गया है, जिससे इन लोगों को लगे कि समाज में एक हमारी भी पहचान हो रही है इन बच्चों से जुड़ के, तो इन बच्चों से जुड़ के एक समाज में हमारी पहचान हो रही है। और जो माएँ रह जिन माएँ अपने बच्चों को नहीं भेजती हैं, कृपया वो अपने बच्चों को लगातार स्कूल में भेजें।